ये देखो बैंकर फिर से भाई इस टाइम चौथे गियर पे फंसा ही है। तो भाई कोई है टीवीएस वाला बताओ मुझे क्या करना चाहिए, इसका बाइक भेज देनी चाहिए क्या? परेशान हो गया हूँ मैं इसकी गियर फंसने से भाई। बाकी अपना ये एक्स लाइट वाला है और ये सही में ही कार्बन है भाई। अरे कोई ऐसा लोकल नहीं है भाई, लोग सोचते हैं कि इसने पता नहीं कहाँ से कॉपी वॉपी मंगा रखी। गाइस कॉपी नहीं आती एक्स लाइट की, पहले बता दूं मैं आपको, कॉपी नहीं है। चैनल नेम अमित नेगी। तो अपना डे ट्रिप मीटर चेक कर लेता हूँ भाई, मैं परफॉर्मेंस चेक करता रहता हूँ। 21 का माइलेज दे रही है भयंकर। बाबू खाना खाया। बाबू खाना खाया। हाँ हाँ। सो गाइस लोकेशन चेक मारो, ये देखो भयंकर क्या लग रहा है इसमें एक तरफा। ज़्यादा झुकी हुई क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है इसका स्टैंड बहुत नीचे हो गया है, पर ऐसा है नहीं। देखने पे लग रहा है कि बाइक पूरी झुकी हुई है। बाकी भाई मैं निकल गया यहाँ पे, अमित भाई का वेट कर रहा हूँ। अमित भाई अभी तक पहुँचे नहीं है और लेट हो गई, सनसेट भी होने वाला है। अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से शॉर्ट स्पिन में भाई, क्योंकि सुबह से घर पर बैठे हुए थे, बोरियत आ रही थी। तो हमने कहा भाई जब बाइक है सब कुछ है तो चलो एक शॉर्ट स्पिन मार के आते हैं। ओह माय गॉड, मोटो मैट्रिक्स, वेयर इज योर राइडिंग जैकेट? राइडिंग जैकेट पहन नहीं थी। हाँ यार, राइडिंग जैकेट पहन के क्यों नहीं आए? तभी तो मजा आता है वीडियोस बनाने में। मैंने बताया तो था। कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट लगेंगे। जाओ फिर जल्दी आओ, डेढ़ फेड़ आना, लेकिन जाओ फिर फटाफट जाओ। भाई घर बगल में ही है इसलिए जा सकते हैं, ज़्यादा दूर होता तो फिर तो मैं बोलता कि रहने दो। तब तक मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ यार, चलो थोड़ी सी आगे खड़ी कर देते हैं पहले यहाँ पे, ये रास्ते में खड़ी कर रखी है। एंड अपनी बाइक में फ्यूल है, चलो 148 की रेंज दिखा रहा है, काफ़ी है भाई, इतना तो चल जाएगा। इनफ आज के लिए, इनफ। आगे जैकेट पहन के ये अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी इवनिंग राइड पे, मतलब एक छोटे से शॉर्ट स्पिन में। भाई साहब क्या पावर आ रही है भयंकर। कभी कभी बाइक चला के जो फील आता है भाई, दिमाग में जितनी भी टेंशन रहती है सब कुछ रहता है, कुछ भी ऐसा होता है कि मूड खराब है तो बाइक चलाओ सब सही हो जाता है। बस कुछ ऐसे नमूनों की वजह से नहीं हो पाता है, जो रोड देखते नहीं है कि पीछे से गाड़ियाँ भी आ रही हो तो रुक जाना चाहिए। बाकी हमें क्या, हम अपना मूड क्यों ख़राब करें ना किसी और के चक्कर में। अमित भाई कहाँ है भाई? मैंने मिरर्स भी नहीं खोले हुए जानबूझ के, क्योंकि देखो सिटी में अभी बहुत ट्रैफिक होता है और फिर तुम्हें पता ही है मिरर्स टकरा जाते हैं, उसकी वजह से हम पीछे अटक जाता हूँ मैं, फिर निकाल नहीं पाता हूँ बाइक। अमित भाई बहुत पीछे छूट गए भाई, कैसे चला रहे हो तुम? तो अभी हम जा रहे हैं थ्रोटल शोटल की साइड, जो कि है राजपुर रोड। अभी देखते हैं वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि भाई आपको पता ही है भीड़ देख लो भयंकर, यहीं पर इतनी भीड़ हो रही है, उधर की साइड तो पूरा पैक सीन रहता है। तो लेट्स सी, अगर टाइम से पहुँच गए तो मज़ा आ जाएगा, वीडियोज़ बनाएंगे वहाँ पर बहुत सारी। बस ये ट्रैफिक यार, ट्रैफिक से मैं परेशान रहता हूँ हमेशा, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद ट्रैफिक में बाइक चलाना। भैंस की आग, भीड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है भाई, मन कर रहा है कि मोड़ के वापस चले जाओ घर और स्कूटी में आ जाओ। ये कौन सी बाइक है? अच्छा जावा है ये तो, ये एक सीट पे दो बैठे हुए क्या? भयंकर कौन सी कहाँ चला रहे भाई? भाई व्हीली पॉप हो रही है इसमें तो, भयंकर। इसको वापस डालो अर्बन मोड में। अच्छा तुमने क्या बोला, आगे रुकने के लिए बोला है? अरे भाई साहब क्या हुआ, क्या बोल रहे थे वो? गाइस पता नहीं पीछे कोई शायद रुकवा रहा था, कौन रुकवा रहा था भाई? चैनल नेम अमित नेगी। मुझे लगा आप रेस करने के लिए बोल रहे हो, मैंने कहा वही तो ट्रैफिक में कौन बोलता है। लगा कि भाई एकदम से क्या हुआ, रेस से बाइक पे। नाइस।
नहीं, मैंने वही देखा ना, मैंने कहा ट्रैफिक भी हो रहा है, भाई को बोल देते एक बार। हाँ ट्रैफिक है तभी तो। 2 मिनट रुक जाओ अंकल, 2 मिनट में कुछ नहीं हो रहा यार आपका भाई। 2 मिनट भी कहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी तो भयंकर पीछे से चै 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 करने लग जाते हैं। थैंक यू भाई। चलो गाइस, अपने को रिएक्शन से इतने खतरनाक मिल जाते ना कि लोग पूछ ही लेते हैं भाई। भाई आज ये कैसा हो गया कि राजपुर रोड खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं हो रहा है, क्या हो गया? ठीक है, वैसे मेरी बाइक में तो पेट्रोल है, मेरे को जरूरत नहीं है। अरे अरे अरे, आराम से भयंकर आगे वाले से भयंकर। अमित भाई तो आज फूफा चल रहे एकदम। चलो 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 चलो, तो मैं अपना डेट्री मीटर चेक कर लेता हूँ भाई, मैं परफॉर्मेंस चेक करता रहता हूँ। 21 का माइलेज दे रही है भयंकर, बड़ा गंदा माइलेज हो गया भाई इसका, लगता है इसकी फिर से सर्विस करवानी पड़ेगी। अभी जो लास्ट वाली सर्विस करवाई थी ना मैंने, उसके बाद से इसका माइलेज पता नहीं क्यों गिर गया भाई। ऐसा तो कुछ खैर होता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीने लग गई है। चले चलो गाइस, भाई देखो फिर से गियर फंसा, और इसमें ये अब सेकंड गियर में नहीं है, थर्ड गियर में भी हो रहा है, फोर्थ गियर में भी हो रहा है, सारे गियर्स में हो रहा है कि इसके गियर फंस जा रहे भाई। पता नहीं क्या ही दिक्कत आ रही है इसमें। जैसे जैसे ये बाइक बूढ़ी हो रही है ना, वैसे वैसे इसकी तबीयत खराब हो रही है। बस चलने में सही है, चलने में कोई तबीयत खराब नहीं हो रही है इसकी, बस बीच बीच में ड्रामे कर देती है कि यहाँ नहीं जा रहा वहाँ नहीं जा रहा, समझ रहे हो ना। तो यार कैसे कैसे एग्जांपल देता हूँ मैं जिनके कोई सर पैर नहीं होते। ये देखो बैंकर फिर से भाई, इस टाइम चौथे गियर पे फंसा ही है। तो भाई कोई है टीवीएस वाला बताओ मुझे क्या करना चाहिए, इसका बाइक भेज देनी चाहिए क्या? परेशान हो गया मैं इसकी गियर फंसने से भाई। फिर से भाई मैंने बोला था तुम्हें कि जल्दी चल लो भाई, देखो मैं बता दो तुम्हें, इनकी वजह से भैया हमें लेट, बिना जैकेट पहने हुए आए थे, घर बेच के हमने जैकेट वापस भेजा भाई, ताकि नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे। लेकिन वैसे अभी ये वाली वाइप भी तो अच्छी है भाई, देखो लाइट वाइट दिख रही है, लेकिन अगर हमें थोड़ा दिन का शूट करना था ना, हमें रील्स ये थी भाई दिन वाली। कोई नहीं, अभी देखो रील्स बनाते हैं। अभी जब हम आए थे कुछ तो करेंगे क्यों। अब आपको एक चीज दिखाते हैं अपने हस्की बाबू से, आ जाओ। काहे हस्की बाबू, हस्की बाबू काटे ना तुम्हें। भाई देखो अभी चौड़ में जा रहे हैं ना, अभी जब डराएगा ना उसके बाद पता चलेगा। एक हॉट डॉग भी तो था यहाँ पे। हॉट डॉग कह रहे भयंकर का है? अरे नहीं काटता हूँ बाबू। बाबू खाना खाया? बाबू खाना खाया। हाँ हाँ नहीं काटता, नहीं काटता, अब तो आ गया। ले बाबू कम, बाबू से दूर रहो, बाबू हाथ ना चबा जाए तुम्हारा। हाँ भाई ये हाथ चबा देगा, ये तो चिकन डिनर हो जाएगा इसके लिए। क्यों दिखाना जरा कौन ज्यादा स्मार्ट है गाइस, कमेंट करके बताओ कौन ज्यादा स्मार्ट है। ये स्मार्ट है, उसी को बोलेंगे सब अभी। मैं नहीं हूं स्मार्ट भाई। गाइस देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये भी कार्बन फाइबर है और ये भी कार्बन फाइबर है। रुक जाओ दिख नहीं रहा है ढंग से, इसमें ज्यादा शाइन आ रही है यार, क्या हेलमेट में शाइन नहीं आ रही यार, क्या करते हो तुम भाई। लाइट नहीं पड़ी सर, लाइट का खेल है, लाइट का खेल नहीं है। इसको मैं कॉलिन से चमका के लाया था ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है लो अपना भी लो, गाइस देखो एक्सोर का नकली कार्बन फाइबर, ये एक्सोर का नकली वाला कार्बन फाइबर है, ओरिजिनल है भाई। कितने का है ये, कितने का है? 12,000 12,000 का कार्बन फाइबर गाइस, देख लो। स्किन लगवा रही है, सच बोल दो अब तो। हाँ स्किन लगवा रही है ना, वहाँ से लगाया मैंने, घंटाघर से। घंटाघर से सरदार जी की दुकान से। देखा पकड़ेगा, मन की बात छीन ली। ये देख लो गाइस, मजाक कर रहा हूँ भाई, एक्सोर का कार्बन फाइबर वाला हेलमेट है। क्या है नाम, क्या इसका पूरा? एक्सोर कार्बन
एग्जॉस्ट कार्बन, एग्जॉस्ट कार्बन, बाकी ये अपना ये एक्स लाइट वाला है और ये सही में ही कार्बन है भाई। अरे कोई ऐसा लोकल नहीं है भाई, कि लोग सोचते हैं कि इसने पता नहीं कहां से कॉपी वॉपी मंगा रखी। गाइस कॉपी नहीं आती एक्स लाइट की, पहले बता दूं मैं आपको, कॉपी नहीं है इसमें, वो चिपका है लैमिनेशन, लैमिनेशन ये मैंने चिपकवाई है, ये भी मैंने वहीं से चिपकाया सरदार जी की दुकान से। चलो मैं अब आपको दिखा रहा हूं RX 100 एकदम बढ़िया वाली, और तुम बताना कैसी लग रही है। का है अच्छा, ये तो चलती भी है भाई, सही लग रही है। मैं तो कह रहा वो क्या बोलते हैं एडवेंचर ही छोड़ दो है, ये एक्सचेंज कर लेते हैं, पूछ लो भैया को। मैंने कहा ये एडवेंचर रख लो भैया इनकी, ये एडवेंचर रख लो इन्हें, ये वाली बाइक दे दो, पसंद आ गई उन्हें, सिंगल सीटर और सही है फिर तो, और क्या चाहिए फिर तुम्हें। द नेक्स्ट डे बाकी बाइक ये रही अपने यहाँ पे लगी हुई एकदम मस्त सेक्सी बाइक अपनी। भाई अभी लास्ट टाइम भी मैंने ये बाइक यहीं पे खड़ी की थी ना, जब लास्ट वाली राइड पे गया था, और जो रिएक्शंस मिल रहे थे ऐसे भाई, रिएक्शंस तो एक तरफा मिलते हैं, लोगों को लगता है कि सुपर बाइक खड़ी है भाई, फिर बोलते हैं कि एग्जॉस्ट नोट एग्जॉस्ट नोट, फिर जब उनको सुनाई देता ना सिंगल सिलेंडर तो भाई उल्लू बन जाता है कि इसमें तो वही नॉर्मल आवाज़ आ रही है, इसमें वो भू भू वाली आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। बाकी यहाँ पे 66 BHP, ओके ये पता नहीं कौन सा स्टिकर मुझे कहाँ से मिला था, एग्जोर का स्टिकर लगा हुआ है, गोप्रो का स्टिकर लगा हुआ है, और ये वाला स्टिकर भाई ये है स्पीति का, जो ढंग से दिखता नहीं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या लगा रखा है ये। बाकी एक और स्टिकर था मेरे पास जो कि मैं लगा नहीं पाया, वो ख़राब हो गया था। हेलो गुड मॉर्निंग भाई, आज क्या टाइमिंग थी ना हमारी। बाइक थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट मार देते हैं भाई इसको, ये बड़ी जल्दी ठंडी हो जा रही है, एक सेकेंड ना, इसका गियर अटक गया। क्या सही टाइमिंग थी ना हमारी सुबह उठने की भाई, दोनों ने जैसे फ़ोन उठाया, पहले अमित भाई का फ़ोन आया मुझे, उसके बाद मैंने सोचा मैं करता हूँ फ़ोन, लेकिन दोनों के दोनों तैयार होकर आ गए बिल्कुल टाइम पे भाई। इसका टाइम तो खैर ख़राब हो रहा, 5 बज गया है ना, तो निकलते हैं फटाफट से। चलो अभी पेट्रोल पंप से खैर खुले होंगे नहीं, तो आराम आराम से चलाएंगे। 100 की रेंज आ गई देखो इसमें वापस, अभी 113 दिखा रहा था, 100 आ गया भाई, अब देखते थोड़ी देर बाद ये बढ़ जाएगा खुद ही। चले सर लेट्स गो, आ जाओ। भाई तो भाई आज हो रही है बहुत टाइम बाद ऐसी मॉर्निंग राइड, आपने देखा होगा मेरे पुराने वाले व्लॉग्स में, पहले मैं ऐसे ही जाता था सुबह सुबह राइड मारने, और पहले पूरा ग्रुप हुआ करता था, लेकिन अब ज़्यादा लोग हैं नहीं बचे हुए, मतलब सारे अपने काम में बिजी है, ज़्यादा लोग बचे हुए का मतलब है सारे अपने काम में बिजी है भाई। अमित भाई रहते हैं मेरे घर के पास में तो अमित भाई आ जाते हैं, बाकी आजकल अरुणेश भी थोड़ा सा बिजी हो रखा था, वो भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन जल्दी ऑफिस आएगा अरुणेश भी, और साथ में राइड मारेंगे। तो भाई आज बाइक ज़्यादा तेज़ भगाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें पेट्रोल कम ही है, और इतनी जल्दी सुबह पेट्रोल पंप खुलते भी नहीं है, अभी एक था लेकिन वो था दूसरी वाली साइड पे। चलो भाई पेट्रोल पंप तो खुला है, यहाँ पे पहले पेट्रोल डलवा देते हैं इसमें, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हमारी बाइक में है, बाइक में तो वैसे मेरे भी है, पर थोड़ा डलवा देता हूँ। कितना तुम्हारी बाइक में चल जाएगा ये आराम से, कितना चलता है ये चलेगा नहीं दौड़ेगा भाई, इतना तो मेरे पे भी है, मेरे पे भी आधी टंकी दिखा रहा है बट रेंज कम दिखा रहा है। चल भाई घोड़े तो यहाँ पे खड़ा रहे, ये देखा अपनी बीस भाई, कभी कभी मन करता है इसको देखते रहो, इसकी इतनी सारी फोटोज़ खींचो ना क्या बताऊँ मैं आपको, आप मेरे इंस्टा पे चेक करना भाई, जो मेरा अकाउंट है उसमें बस आपको बाइक की फ़ोटो दिखेगी, क्योंकि अपने को बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है भाई, ये लगते भी बढ़िया है, सारी बाइकें ही अच्छी लगती है भाई, बट अपने पास यही है तो अपने को यही अच्छी लगती है, बाकी वाली देखो एडवेंचर की दिशा लग रही है अमित भाई की। और गाइस अब देखो इसको पीछे से एकदम फैट एस हो गई है, इसका टायर चेक करो, ये टायर साइज है 160 है, और ये वाला टायर है डनलप का, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, उसके बाद भी पूछते हैं मेरे को कि कौन सा टायर डलवाया है। एंड आ गया 120 सेक्शन का मिशलिन का टायर, ये भी मैंने आजकल में चेंज कराया, बस मैं इसको लीन मारने भाई जा नहीं पा रहा हूँ, मतलब इसके टायर की टेस्टिंग करने नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। लेट्स गो अमित भाई, वीडियो बना रहे भाई, अमित भाई ने अभी यहीं पे इतनी सारी रील्स बना दी, तो भाई स्नैपचैट कह रहा हूँ, स्नैपचैट पे भी फॉलो कर लेना, लेकिन इंस्टाग्राम में भाई कर लेना पक्का फॉलो, मोटो मैट्रिक्स एंड अपना तो पता ही आपको। मैं कह रहा स्नैपचैट पे भी फॉलो कर लेना, हर जगह कर लेना भाई, पहले इंस्टाग्राम में कर लेना बस, बाकी स्नैपचैट वगैरह देख लेना यार, आपकी मर्जी है। ओ ये
सो गाइस आज हो रही है बहुत टाइम बाद ऐसी मॉर्निंग राइड, मजा आ रहा है बस यार। और रोंडे भी होते ना तो ज्यादा मजा आता है, बट कोई नहीं। ये देखो भयंकर ये पेल दी इन्होंने, बाइक को क्या स्पोर्ट्स बोर्ड में डालना चाहिए, जल्दी जल्दी कॉमेंट करो, अभी डालता है स्पोर्ट्स बोर्ड में। फिर देखो इसको भयंकर मैं कैसे चला रहा हूँ, ये टेढ़ी मेढ़ी यार, बस मेरा एंगल सही है भाई, ये धोखा ना दे दे, अगर एंगल ने धोखा दे दे ना तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। भयंकर अमित भाई ने तो भगा दी, इसको डालो स्पोर्ट्स मोड में, डल क्यों नहीं रहा है, ठीक है ट्रैक में डाल दिया। फोर्थ गियर, थर्ड गियर, तो गाइस लोकेशन चेक मारो, ये देखो भयंकर क्या लग रहा है इसमें एक तरफा। अब हमारी शक्लें अगर ख़राब आ रही होंगी तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, शक्लें सुधारनी पड़ेंगी हमें। सुबह सुबह उठ के भाई मैं तो नहा के आया हूँ सुबह सुबह पता है, ताकि हमारी वीडियोस अच्छी आए। ये देखो भयंकर 4 बजे उठे हुए लौंडे भाई, 4 बजे उठ के आए हम, देखो हमारी कितनी खतरनाक डेडिकेशन है वीडियोज़ बनाने की बाइक्स को लेकर। और जो हमने राइड मारी, बस ज़्यादा लंबी राइड नहीं थी लेकिन जितनी भी थी सही थी, है ना चाय वाय भी पी ली, सब पी ली भाई। ये जगह देख के ना ऐसा लग रहा है कि भयंकर क्या है, ये आवाज़ आ रही है ऐसे जंगल से भाई, हाथी वाती ना आ जाए ऐसे, हाथी भी आते क्योंकि यहाँ पे। अभी हम एक शॉट लेने का सोच रहे हैं यहाँ पे, लेकिन भाई थोड़ा उजाला आ जाए ना, और अभी इसमें तो ज़्यादा ही ब्राइट दिख रहा है, वैसे इतना ज़्यादा ब्राइट है नहीं, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। ये देखो भयंकर, और मुझे पता बहुत सारे लोग बोलेंगे कौन सी रोड है, तो गाइस दिस इज कौन सी रोड है, थानो की रोड है, एयरपोर्ट के आगे जो आती है, थानो, थानो तो यहाँ से आगे है ना शायद, इसी को थानो बोलते हैं, एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे की तरफ, मतलब एयरपोर्ट वाली रोड ही समझ लो, ये एयरपोर्ट ये रहा पीछे अपने। यार मन नहीं कर रहा है वीडियो बंद करने का भयंकर, तो सही लग रहा है यहाँ पे।